अमर शहीद सुखदेव ने कहा था, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। और आज 25 साल गुजर चुके हैं उस जंग की जिसके बाद भारत की रक्षा जो तैयारियां थी वो अलग लेवल पर पहुंची। करगिल में ना सिर्फ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया बल्कि हमने एक सबक भी सीखा। सबक ये कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। दोस्ती की बात आप जरूर करें लेकिन साथ साथ अपनी तैयारियों को भी मजबूत रखें। तो आज करगिल विजय दिवस की रजत जयंती है। आपने इससे पहले तस्वीर देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल के द्रास में पहुंचकर करगिल युद्ध स्मारक पर वीर शहीदों को नमन किया, उनको श्रद्धांजलि दी। और थोड़ी देर के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिनकुल्ला टनल सुरंग के लिए यहां से वर्चुअली विस्फोट करेंगे। और ये स्ट्रेटेजिक तौर पर कहा जा रहा है कि ये सुरंग चीन और पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश होगा। हमारे साथ स्टूडियो में खास पैनल मौजूद है जो कि सेना के पूर्व अधिकारी, और कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो आज के नौजवान, आज की पीढ़ी शायद करगिल वॉर के बारे में नहीं जानती होंगी। कई जगह उन्होंने अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज चैनलों में देखा होगा, लेकिन आज हमारे साथ जो पैनल है वो ऐसी कहानी बता रहे हैं जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। मैं कर्नल तेज टिक्कू सर आपके पास आ रहा हूं। कई लोगों के मन में सवाल है कि ऊंचाई पर थे दुश्मन, नीचे हम थे, ग्राउंड लेवल पर लड़ाई बहुत मुश्किल थी, लेकिन हमारे पास तो इंडियन एयरफोर्स थी। 84 दिन लग गए, हम चाहते तो उस ऊंचाइयों पर मौजूद उन दुश्मनों को चिन्हित करके उनको बर्बाद कर सकते थे। प्रत्यु जी, मैं इस बात का तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं करगिल के बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ, हुआ ही क्यों ये। जब लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई गई 1971 वॉर के बाद, जब वापस शिमला एग्रीमेंट हुआ, तो उस समय ये फैसला किया गया कि ये वाला जो इलाका है ना द्रास से लेकर तुरतुक तक, ये इलाका इतनी ऊंचाई पर है, इतनी ठंड होती है वहाँ पर, -20 -30 डिग्री टेम्परेचर जाता, हाइट 17,000 18,000 19,000 फीट जाती है, तो वहाँ पर कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान की आर्मी रखने का या इंडियन आर्मी रखने का। तो दोनों में एक कन्वेंशन बना था, फैसला हुआ था कि इस इलाके में जैसे ही बर्फ पड़नी शुरू हो जाएगी तकरीबन सितंबर अक्टूबर में, तो दोनों की फौजें पीछे चली जाएंगी, और क्योंकि इन हाइट पर कोई रह नहीं सकता, ये आपस में फैसला हुआ था। लेकिन क्या हुआ, 1987 में आपने सुना होगा बाना टॉप, बाना सिंह साहब ने उनके जो सियाचिन ग्लेशियर पर सबसे ऊंचा वाला पोस्ट था उसके ऊपर कब्जा किया और वहां से उनको भगाया। वहां पर जो कमांडर थे वो मुशरफ थे, ब्रिगेडियर मुशरफ, जो बाद में चीफ ऑफ स्टाफ बन गए और फिर चीफ बन गए। तो जब वो चीफ ऑफ स्टाफ बन गए तो उनके दिल में ये बहुत खटक रही थी कि मेरे ब्रिगेड कमांडर होने के समय मेरे से ये छीना गया बाना टॉप। तो उन्होंने जब वो डीजी चीफ ऑफ स्टाफ बन गए तो उन्होंने बेनजीर भुट्टो को प्लान दिया, बोला जी ये इलाका जो है ये 6 महीने खाली रहता है, हमें जाकर उसको कैप्चर करना चाहिए और इंडिया को। मतलब सारा दिमाग जो था ये मुशर्रफ का था, मुशर्रफ का था, लेकिन बेनजीर भुट्टो ने इसको खारिज किया, वो प्राइम मिनिस्टर थी, क्योंकि उन्होंने बोला इससे बहुत बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा और पाकिस्तान इस स्थिति में है नहीं कि हम वो युद्ध लड़ सके, तो वो मामला ठंडा हो गया। लेकिन जब वो चीफ बन गए, तो जब चीफ होता है पाकिस्तान आर्मी का वो सब फैसले पूरे देश के बारे में खुद ही करता है, तो उन्होंने ये गेम खेली। और फरवरी के महीने से, जनवरी फरवरी की महीने से वहां पर ट्रुप्स भेजने शुरू कर दिया। वो ट्रुप्स ने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की यूनिफॉर्म नहीं पहनी, वो ऐसे आतंकवादियों की ड्रेस पहनकर उनको भेजा। इंडियन आर्मी तो जाती वहां अप्रैल में। अभी अभी जो हम बात कर रहे थे, केके सिन्हा सर, आपने कहा, आपने तो खुद लीड किया है ऐसे ऑपरेशंस को, आपने कहा कि वहां दुर्गम पहाड़ियों पर ऊंचाई पर जितने भी ये घुसपैठिए और पाकिस्तान के सैनिक थे, जब ये जंग वो हार गए, आपके सामने से वो उतर कर नीचे जा रहे थे, गुस्सा तो बहुत आया होगा मन में, लग रहा होगा कि यहीं पर इनकी गर्दन मरोड़ दे, लेकिन अब बहुत सारी चीजें हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, संधि है, उन सबको ध्यान में रखना पड़ता है। क्या उस वक्त फीलिंग थी आपके मन में जब वो सामने से, आपके सामने से नीचे उतर कर जा रहे थे? प्रत्यु, सबसे कहते हैं चैलेंजिंग पीरियड वही था हमारे लिए। दुश्मन को मार भगाना, इन हाटियों में अटैक डालना उतना नहीं था या क्रॉस जाना। देखिए क्या हुआ, ये आपको पता ही है, 3-4 मई को हमें पता चला कि घुसपैठिए आए हैं, 5 को हमने किया, 8 से एक्चुअली ऑपरेशन विजय लॉन्च हुआ और मैं 5 तारीख को ही वहाँ पहुँचा था। उसके बाद ऑपरेशन में रहा, हमारी बटालियन रही। मगर जो आपने बात कही,
16 जुलाई की बात है, देखिए आज 27 जुलाई है, 16 जुलाई तो एक सीज फायर का हमें हुक्म आया कि कोई भी फायर नहीं खुला जाएगा और यदि आपके सामने से भी दुश्मन जाता है, क्योंकि हाइटों में बैठे थे, सबको हमने नहीं मार खा, वो भागना चाहते थे, विड्रॉ करना चाहते थे, अमेरिका भी इसमें साथ आया था और ये हुआ कि आप इनको जाने दें। तो हमारे कुछ जवान जो अपने जवानों को खोया है, क्योंकि आप बहुत दूर दूर तक फैले, मेरी बटालियन तकरीबन यदि आप LOC पे देखेंगे तो 175 किलोमीटर के ऊपर के इलाके में छोटे छोटे टुकड़ों में फैले हुए, तो उनके तक मैसेज, तो किसी ने फायर खोल दिया तो हमारे ऊपर से आया कि ये तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, आपके कोर्ट, तो आप इंश्योर करो। खून खौलता हुआ जवानों को जिन्होंने अपने साथियों को खोया है, वही दुश्मन आपके हमारे, हम उनको पकड़ कर रख सकते थे, वहां से वो टुकड़ियों में निकले, तो ये सबसे बड़ा ये जो आप फिर खुद की बात कर रहे हैं, इसी कहते हैं ना कि पराक्रम के साथ साथ संयम, सबसे बड़ी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी है कि हम, मतलब एक हारा हुआ सैनिक आपके सामने से गुजर रहा है, एक घुसपैठिया सामने से गुजर रहा है, लेकिन आप उस वक्त उसे जाने दे रहे हैं, दो चीजें आती है। एक तो ये भाग रहे हैं, कि इन्होंने जिस चीज को पकड़ा था उससे सामने से भाग रहे हैं तो भागने दो, दूसरा है कि हम मार गिराए क्योंकि इन्होंने ये गलत किया है, मगर हम अपने को संयम, और बहुत मुश्किल है कमांडिंग ऑफिसर्स को, बड़े लीडर्स को, यंग ऑफिसर्स को, अपने जवानों को कंट्रोल करना सबसे बड़ी दिक्कत है। मुझे लगता है चंदन कि आज की ये पीढ़ी शायद इन स्टोरीज को, जो कि करगिल की उस पहाड़ियों पर कहीं ना कहीं छिपी हुई है, उनको ये जान पा रही कि क्या हुआ था, बिल्कुल एक सैनिक के मन में क्या फीलिंग्स थी। बिल्कुल, और इस युद्ध के दौरान की जो कहानियां थी वो अब किंवदंतियां बन चुकी हैं, यानी फोकलोर बन चुकी हैं, जो कि आगे कई सौ साल तक सुनाई जाती रहेंगी। हमारे साथ जो यहां पर युवा जुड़े हुए हैं, वो युवा पीढ़ी जो जिन्हें करगिल युद्ध के बारे में उन्होंने सिर्फ सुना है, हम चाहते हैं कि वॉर वेटरन्स के मुंह से वो सुने किस कदर ये युद्ध लड़ा गया था, कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में लड़ा गया था। और जब हम अपने घर में सुरक्षित रहते हैं तो उसकी वजह यह है कि सेना पर हमारे जवान जो है वो शहादत दे करके इस आजादी को खरीदते हैं अपने खून से। शिवाज साहब, जब सौरभ कालिया की शहादत हुई, 5 उनके साथ और जवान थे वो भी शहीद हुए, और शव जो क्षत विक्षत स्थिति में मिला था, उसके बाद इन सब के बीच हम चर्चा करेंगे। टनल ब्लास्ट हुआ है, इसी शिंकुला टनल की हम बात कर रहे थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से द्रास से करगिल युद्ध स्मारक से इन्होंने वर्चुअली यहां पर ब्लास्ट किया, यानी कि अब यहां से अब ये इस टनल के बनने की शुरुआत हो जाएगी, जो शायद 2025 के एंड तक बनकर तैयार हो जाएगी। 4.1 किलोमीटर लंबा यह टनल होगा, जो कि मनाली से अगर आप ले जाते हैं तो उसकी दूरी तकरीबन 80 किलोमीटर कम कर देगा, यानी कि आप जल्दी वहां पर पहुंचेंगे। और रणनीतिक तौर पर यह इसलिए भी अहम माना जा रही है क्योंकि इसके बाद ऑल वेदर कंडीशन में यह रोड होगी, सड़क होगी, जहां से सेना के हथियार रसद आसानी से आप ले तक वहां पहुंचा सकते हैं, साफ तौर पर चीन को संदेश दिए। और करगिल के युद्ध में उस वक्त जो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम थी वो क्या रही थी? शिवाज साहब, अगर बात की जाए, हमारे सैनिक तो हमेशा से शूरवीर रहे हैं, हमने 71 में भी उनको मुंह की उनको खानी पड़ी थी विरोधियों को। Z News।